हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यावेज एकेडमी। और आज हम बात करेंगे जॉफ्री हिल की, जो कि एक ब्रिटिश पोस्ट मॉडर्न पोएट हैं। जॉफ्री हिल के बारे में स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट मॉडर्न पोएट, ये एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड के एक ब्रिटिश पोएट रहे हैं। ये काफ़ी फेमस पोएट रहे हैं जॉफ्री हिल, और अक्सर नेट के एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इसके सारे पॉइंट्स आज कवर करेंगे। ही हैड सर्वड एज द प्रोफेसर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2010 टू 15, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर भी रहे थे 2010 से 15 के बीच में। He was the prominent poet in the British literature as a postmodern word poet. Postmodern word poet के अंदर एक prominent poet रहे हैं। And his style and subject were very difficult to comprehend. और उनका जो style और subject है उनकी poetry का, वो बहुत ही difficult है उसको comprehend करना। और इसीलिए regarding his style of poetry, he is described as the difficult poet. और इनका जो style है poetry लिखने का, इसी के कारण इनको difficult poet के नाम से भी जाना जाता है उनके work को। Hill has strong sense of importance of maintenance of speech and deep scholarly sense of religion and political undermining of everything in Britain. जो हिल हैं उनका जो स्टाइल है, जो उनका थीम है पोएट्री का, वो मेनली रिलीजन पे बेस्ड है, या फिर जो पॉलिटिकल पॉलिटी है जो ब्रिटेन की, उससे रिलेटेड है। इन्होंने जो अपनी पोएट्री है उसके अंदर क्रिस्ट को और इसी तरह से जो रिलीजियस जो थीम्स रहे हैं उनको लिया है ज़्यादा पोएट्री के अंदर। अब जो उनके जो फेमस वर्क्स हैं उनको देखते हैं। उनका जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं उनमें उनकी एक पोएट्री कलेक्शन है, फॉर दी अनफॉलन। ये पोएट्री कलेक्शन है 1952 टू 1959 के बीच में, और ये इनका बड़ा ही अच्छा पोएट्री कलेक्शन था। इसके बाद में किंग लॉग 1968, मर्सियन हाइम्स 1971, ये जो दोनों है ये प्रोज सीरीज हैं, दोनों ये प्रोज वर्क्स हैं। इसके बाद टेनिब्री, ये 1978 में इन्होंने लिखी थी, ये एक बुक है जो हाईली रिलीजियस बुक है, और इसके अंदर जो क्रिस्ट है उनको जो गुड फ्राइडे जो रिचुअल मनाया जाता है, क्योंकि जो क्रूसिफिकेशन हुआ था जेसस का, उसके ऊपर ये लिखी गई किताब है, ये हाईली रिलीजियस बुक है। तो ये टेनिब्री की 1978 में लिखी हुई है। जो नेक्स्ट है इसके बाद में द माइस्ट्री ऑफ चैरिटी ऑफ चार्ल्स पिगे, ये 1983 में लिखा हुआ इनका वर्क है। ये एक बहुत ही लॉन्ग पोएम है जो चार्ल्स पिगे एक फ्रेंच पोएट है, इनके ऊपर ये लिखी गई है। इसके बाद में इन्होंने अपनी जो लेटर लाइफ थी उसके अंदर भी इन्होंने जो वर्क किए वो है कैनन 1997 में, द ट्रिम्थ ऑफ लव 1998, स्पीच 2000, द ऑर्चर्ड ऑफ सियोन 2002, विदाउट टाइटल 2006, एट्रेटाइज ऑफ सिविल पावर 2007। और जो इनके इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क है वो है ब्रोकन हेरार्कीज, ये एक पोएट्री कलेक्शन है जिसके अंदर इनकी 1952 से 2012 तक की जितने भी पोएम्स हैं उन सब का कलेक्शन इसमें दिया गया है। ये एक 1000 पेजेस की ये एक बुक है जिसके अंदर इनका सारा पोएट्री कलेक्शन है, और इसी के अंदर जो हिल है उनको ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला गया है। इसके बाद में इनके कुछ इम्पोर्टेंट एसेज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनके जो एसेज हैं वो हैं द लॉर्ड ऑफ लिमिट्स 1984, द एनिमी कंट्रीज 1995, स्टाइल एंड फेथ 2003, और जो इनका पोस्थोमस वर्क है जो कि उनकी डेथ के बाद लिखा गया था, द बुक ऑफ बरूच बाय द गनोस्टिक जस्टिन 2019। अब हम इनकी जॉफ्री हिल के राइटिंग फीचर्स के बारे में जानते हैं। इनकी जो पोएट्री है वो मेनली जो इनके थीम्स रहते हैं वो थे सीरियसनेस, हाई मोरल टोन, एक्सट्रीम एल्यूजनेस, और डेडिकेटेड टू हिस्ट्री, थियोलॉजी एंड फिलोसफी। अलोंग विद दिस हिज पोएट्रीज आर डेडिकेटेड टू डीप रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी। ही वॉज ए रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पोएट। इसके बाद एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो नेट के एग्जाम में पूछा गया है जॉफ्री हिल्स के बारे में, उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, यू डू नॉट ड्वेल इन मी, नो आई इन यू, हाउ वेयर मच आई पोंडर टू योर नेम। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो जॉफ्री हिल्स की जो ये लाइंस हैं ये लेक्रे में ही जो इनकी काम है पोएम है उसमें से ली गई हैं, ये किसको एड्रेस करती हैं। तो जो ऑप्शंस थे उनमें से क्रिस्ट जो ऑप्शन होगा वो इसका आंसर है। आप ये अगर आपने पढ़ी भी नहीं है तो भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक रिलीजियस थीम्स पे लिखते थे, तो अंदाजे से भी आप सही कर सकते हैं कि क्रिस्ट जो है वो ही एक रिलीजियस है सारे ऑप्शंस के अंदर। तो आपको इसके हर राइटर के थीम के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह की पोएट्री लिखते थे।
तो चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.